जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा दुख तकलीफों से दूर रहें। आप जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, उन्होंने अक्सर देखा होगा कि मैं दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब मोटिवेट करती हूँ या करती हूँ कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। और वो ऐसा नहीं है कि कंटेंट के लिए है, क्योंकि हम लोग खुद ऐसे हैं और जो पर्सनली हमें जानते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो ऐसे हैं जैसे हम आपको दिखाते हैं। जो हमें पर्सनली जानते हैं वो जरूर, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, या कैसे हम लोग हैं। क्या सिर्फ कंटेंट के लिए मैं आपसे ये बात नहीं शेयर कर रही हूँ? तो दोस्तों, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ये बात शेयर करते हुए मुझे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, स्ट्रांग रहना है। और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती थी या जिस चीज़ के लिए मैं आपको मोटिवेट करती थी अपनी वीडियोस में, अच्छे कर्म करिए, कई बार दवाइयों से ज़्यादा हमारी दुआएं काम करती हैं, किसी का दिल मत दुखाइए, हमेशा हेल्पफुल रहिए। और कई बार मुसीबत आती है तो जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हमारे ऊपर पहाड़ गिरना होता है तो वो कंकड़ गिर के रह जाता है, तो हमारे अच्छे कर्म जो हैं वो शीश को काट देते हैं, हमारी तकलीफ को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन तकलीफ ग्रह नक्षत्र कह लीजिए, हमारे पिछले जन्म के कर्म कह लीजिए, या हमने इस जन्म में कोई गलती करी हो उसका फल कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो टाइम आता जरूर है सबकी लाइफ में। और एक चीज मैं दोस्तों आपसे बार बार फिर कहती हूँ कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। एक टाइम ऐसा था कुछ भी ऐसा ऊंच नीच होती थी फैमिली में या कहीं भी, तो मैं एकदम डिस्टर्ब हो जाती थी, मैं उस चीज से आगे नहीं निकल पाती थी, मैं बहुत टाइम तक उसमें उलझी रहती थी यही सोच के कि अब ये हो गया तो बस सब खत्म, अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, चीजों को मैंने देखा, अपनी लाइफ में बहुत अप डाउन्स देखे हैं, उनसे मैंने ये सीखा है दोस्तों कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज आप हंस रहे हो तो कल रोने के लिए भी तैयार रहना। मैं ये नहीं कह रही आपको रोना ही पड़ेगा, लेकिन समय लाइफ में ऐसा ऐसा होता रहता है, उस समय हमें दुखी नहीं होना है, समझदारी से काम लेना है। और आज हम रो रहे हैं तो ये सोच के और ज्यादा नहीं रोना है कि कल हमारी जिंदगी में हंसने का मौका आएगा नहीं आएगा, खुशियां आएंगी नहीं आएंगी, डेफिनेटली जरूर आएंगी। ये समय होता है जो कभी एक जैसा नहीं रहता, ये लाइफ है। मैं सबको यही समझाती हूँ कि चीजों को हैंडल करना मुसीबत के टाइम में हा हुल्ला करने से, ज्यादा चीजों को प्रेशर लेने से, डिप्रेशन में आने से बेटर है उस समय हम समझदारी से काम ले, हौसला रखें, हिम्मत रखें, ताकि जिससे हमें सपोर्ट करना है उसको हमारे से हिम्मत मिले, ना कि हमारा बिहेवियर उस समय ऐसा हो कि सामने वाला देख के हमें और ज्यादा डर जाए और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए। तो दोस्तों, गर्मी बहुत है, फैन बंद कर रखा है, पसीना आ रहा है। तो दोस्तों, बात है ये कल की। कल मेरा छोटा बेटा एज यूजुअल स्विमिंग पे गया था, तो स्विमिंग से वो लौट रहा था, स्कूटी पे था, उसका फ्रेंड ड्राइव कर रहा था और साथ में पीछे वो बैठा हुआ था। पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, जो उन लोगों ने बताया कि आगे से गाड़ी आ रही थी बहुत तेजी से, उससे बचने के लिए उन लोगों ने जोर से ब्रेक मारा। तो वो क्या है, जोर से ब्रेक मारा, उस समय गाड़ी मतलब स्कूटी बैलेंस नहीं हो पाई और दोनों जने जाके गिरे। और स्कूटी की मैं हालत, यहाँ पे मैं क्लिप्स ऐड करूंगी, किसी को ये ना लगे कि मैं फेक बातें कर रही हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। ये सिर्फ मैं कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं कर रही हूँ, आपको परेशान करने के लिए वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अगेन इस वीडियो में मोटिवेशन है कि मैंने उस समय कैसे हैंडल करा चीज़ों को और कैसे मेरा रिएक्शन था। तो वो सब, तो चोट लग गई तो बेटा घर पे आया तो ऊपर से वो बिल्कुल ठीक था, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा एज यूजुअल वो स्विमिंग कर आ गया, आते वो बोला मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक बार को तो मैं शॉक हो गई, मैंने कहा देखने में बिल्कुल सही, ऐसी मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब उससे अपना पजामा रिमूव करा, जो पजामा नीचे होता है, मैं आपको दिखाऊंगी पजामे की हालत, तो वो बिल्कुल फट गया, घिस गया, और यहाँ पे उसकी अंदरूनी चोट आई है थोड़ी सी, जैसे यहाँ पर हो गई, हाथ में हो गई, और घुटना उसका काफी सारा छिल गया। इसकी क्लिप्स में भी ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैंने जब उसको देखा, ना मैंने उस पर चिल्लाया, ना मैंने कुछ करा, सबसे पहले मैंने भगवान का शुक्रिया करा। इस हालत में भी ना मैं रोई, ना मैंने ये शो करा कि हाय तेरे इतनी चोट कैसे लग गई, नहीं, मैंने सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करा। ठीक है, टाइम टफ आया था कि शायद हमने कभी अच्छा करा हो या इसी बच्चे ने कभी किसी के साथ अच्छा करा हो, कहते ना कभी किसी का लिया दिया आगे आ गया हो, कोई अच्छा कर्म था। टाइम तो टफ था बहुत, कल का टाइम बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि जब मैं स्कूटी की क्लिप ऐड करूंगी तो आप खुद देख के बोलोगे कि हाँ
मतलब भगवान ने बहुत रक्षा करी घर के बड़े बूढ़ों का, जिन्होंने कभी भी मेरे बच्चों को हमको दुआ दी, किसी की हमने मदद करी हो, उसने सच्चे दिल से हमें ये कहा हो कि हमेशा सुखी रहो, मुसीबतों से दूर रहो, मुसीबत आए तो ऐसे छू के निकल जाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि लाइफ में सबके ही मुसीबतें आती हैं, तो उन सबका शुक्रिया करा। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह दिया, और उसके बाद हस्बैंड को बताया, और फिर वो शाम को उसको डॉक्टर के लेने गए। अब यहाँ मैं रोई नहीं उसके सामने, मैं रोई जरूर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, बाहर कमरे में आके थोड़ा सा दिल भारी हो ही जाता है, लेकिन मैंने बच्चे को ये शो नहीं करा कि हाय ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा लग गई, नहीं, मैंने उसको यही समझाया कि बेटा भगवान का शुक्र मनाओ, कोई बात नहीं, स्कूटी डैमेज हो गई, बाद में आराम से इसको रिपेयर करा देंगे, रेस्ट करो, शाम को डॉक्टर के दिखा देंगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने उसको ये नहीं बोला कि हाय कैसे लग गई, ये वो नहीं, उस समय आराम से काम लिया, उसकी थोड़ी आइसिंग लाइक कर दी, बर्फ से सिकाई कर दी, स्प्रे वगैरह कर दिया, फर्स्ट एड जो होती है वो दे दिया, और शाम को प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे दोस्तों एक मैसेज मैं आपको और देना चाहूंगी, कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं कि छोटी ऐसे चोट मोट लगती है, अरे हल्का सा दर्द है, मूव लगा लिया, स्प्रे करके गर्म पट्टी बांध ली, आइसिंग कर ली, ठीक हो जाएगा। नहीं, जब भी कोई दोस्तों इस तरह की चोटें हो, प्लीज ऑर्थो को जरूर दिखाइए सेम डे। कई बार क्या होता है, हम लापरवाही कर देते हैं और चोट अंदरूनी होती है, हमें नहीं पता लगती है, या कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है या माइनर फ्रैक्चर होता है, या कुछ अंदर कुछ ऐसा मसल्स हमारे जो है वो क्या कहते हैं लिगमेंट्स हमारे फट जाते हैं, हम इसको लाइटली लेते हैं और बाद में क्या होता है, क्योंकि ये चोट कहते हैं ना कि जब लगे उसी समय इनको हील अप करा लिया जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए तो ठीक हो जाती हैं, वरना कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो पूरी लॉन्ग मतलब पूरी लाइफ चलती है, उनका पेन जो है वो कभी भी ठीक नहीं होता है, और जैसे वो मतलब यानी कि वो जगह हमारी कमजोर हो जाती है, कहने का मतलब ये है। तो ये हम सबको मैसेज में देना चाहूंगी, और हम लोग भी ऐसे करते हैं, और हमारे आसपास अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, पहले तो भगवान करे किसी को ऐसी जरूरत ना पड़े, तुरंत कहते हैं भैया ऑर्थो को दिखाओ, प्रॉपर एक्सरे वगैरह कराओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो कि कहीं कोई अंदर फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई इंटरनल कोई चोट तो नहीं है, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े कि मैंने टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो शाम को मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को उसको दिखाया, अगेन भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा यहाँ धमक है, लाइक जैसे धमक कहते ना, चोट है हल्का सा, यहाँ पे मांस में सूजन है उसके हड्डी में हल्की सी, मतलब हड्डी वड्डी की कोई चोट नहीं है, और जो घुटने में चोट लगी है वो बीटाडाइन वगैरह लगा के ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर ने ज्यादा मेडिसिन नहीं दी, केवल पेन किलर दी है, वो भी SOS दी है, और आइसिंग करनी है, दैट्स इट, और उसको रेस्ट कराना है लगभग 4 से 5 दिन। तो एक तो मैसेज ये हो गया कि आप लोगों को तुरंत लापरवाही नहीं करनी है, डॉक्टर को दिखाना है सेम डे ऑर्थो को कि कोई इंटरनल चोट तो नहीं है, और अगर बच्चे को उल्टी वगैरह हो रही है, बच्चे को क्या किसी को भी उल्टी हो रही है, कोई सिर की इंजरी, तब तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। कई बार क्या होता है सर के बल हम गिरते हैं, वो भी सर के बल गिरा था, मैंने आपको बताया ना जब स्कूटी की हालत आपने देखी ली क्या हो गई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा, मतलब बिंदी भी मेरी चली गई, कैसा एक्सीडेंट होगा कि वो रगड़ते हुए 50 मीटर तक वहां गया, उसके सर में खरोच भी नहीं आई और सर बच गया, क्योंकि सर की चोट, चोट कहीं हर जगह की बुरी होती है, लेकिन मैंने इतने केसेस सुने हैं सर की जो चोट होती है ना, अगर सर में ज्यादा चोट लग जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, तो वो बस भगवान मालिक है फिर, क्योंकि मैं ऐसी चीजें देख चुकी हूँ बहुत ज्यादा। तो यहाँ मैं यही चीज मतलब आपको बताने के लिए, एक तो मेरे मन में ये बात थी आपसे शेयर करना, तो मन हल्का हो गया और ज्यादा, और दूसरा बात आप लोगों को मोटिवेट करना था, ये मैसेज देना था, ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही नहीं, और ऐसे में अगेन शुक्रिया करिए और अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि मैं आप भी थी आपको बता रही हूँ, जो मैं कहती थी वो उसका ये लाइव एग्जांपल कल आपके सामने है, पता नहीं किसकी दुआ, कौन सा अच्छा कर्म। और एक बात और, अगर माँ बाप अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उसका फल भी हमारे बच्चों को टफ टाइम में जरूर मिलता है, ये बात और ध्यान रखिएगा। तो अगेन मैं आपको मोटिवेट करूंगी, अच्छे कर्म करते रहिए, पता नहीं कब किस समय लोगों की दुआएं लेते रहिए, जितना आप कर सकते हैं तन मन धन से करते रहिए, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक आप सक्षम हैं, क्योंकि कोई भी चीज खाली जाए लेकिन आपके अच्छे कर्म, किसी ने सच्चे दिल से आपको दुआ दी हो, किसी के चेहरे पे आपने हंसी लाई हो, अपना दुख भूल के सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, या अपने दुख को भूल के सामने वाले के दुख में शामिल हुए हो, उसको तसल्ली दी हो, जो उसके दिल से दुआ निकलती है ना, वो ऐसे टाइम में जरूर काम आती है, और कल हमारे साथ ऐसे ही हुआ। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि मैं आपको जो कहती थी आपसे वो चीज हो गई, और लाइफ में मेरे साथ अभी नहीं,
जो मैं आपके हर लाइफ लर्निंग्स शेयर करती हूँ दोस्तों, वो कहीं से एक एज अ कंटेंट नहीं है, वो आ बीती है, क्योंकि इतनी चीजें मैंने लाइफ में देख ली हैं, सीख ली हैं, तो वही चीजें मैं अपने मन से आपसे शेयर करती हूँ कि ये चीजें होती हैं, इनका रिजल्ट आता है, पॉजिटिव चीजों का पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव चीजों का नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो प्लीज अगेन रिक्वेस्ट है, किसी से जलना, किसी के लिए बुरा करना, बुरा सोचना बंद करिए, आज से ही अच्छे कर्म करिए, और जो आपका आगे आने वाला टफ टाइम है उसको इजी करिए, काटिए, और सबकी ज्यादा दुआएं लिए, क्योंकि कई बार दवाइयां जहां काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, ये बात हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये बात साइंस ने भी प्रूव कर दी है, क्योंकि कई बार देखा होगा आपने जब किसी की हालत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है, कोई मिराकल हो सकता है, और मिराकल्स होते भी हैं। तो वहां पे क्या होता है, अच्छे कर्म होंगे, किसी की दुआ लग जाए कि आदमी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मौत के मुंह से वापस आ जाता है। तो ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं, कभी डिस्कस करूंगी डिटेल में आपके साथ, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों बस यही आपसे शेयर करना था कि सबका ध्यान रखिए, दुआएं लेते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, और घबराना नहीं है ऐसी स्थिति में, मोटिवेट होके रहना है, और सामने वाले को ये शो करना है कि कुछ नहीं हुआ है, ताकि सामने वाले में हिम्मत आए कि हाँ उसे तकलीफ तो है लेकिन उतनी नहीं है। अगर हम उस समय हाय हाय करेंगे, उल्टा सीधा बिहेव करेंगे, तो सामने वाले की जो तकलीफ है ना वो उसे ऊपर से कम होगी, लेकिन जो वो सोचेगा उसके थॉट्स हो जाएंगे उस समय बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगी, जो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो हमने बहुत प्यार से चीज को हैंडल करा, अब वो आराम से अंदर रेस्ट कर रहा है, मैं बाहर कमरे में बना रही हूँ दोस्तों, अगर बाहर की आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पसीने बहुत आ रहे हैं क्योंकि मैंने एसी फैन दोनों बंद कर रखा है, दोनों की आवाज़ें वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती। तो यही मैसेज दोस्तों मुझे आप तक पहुँचाना था, और अगेन थैंक्स आपका भी, हो सकता है आपने सबने किसी ने कभी दुआ दी हो, या दुआ दीजिएगा आगे सबको, मेरे को नहीं सिर्फ सबको दीजिएगा, और कभी भी कोई आपके दिल से कुछ अच्छा करता है ना, तो उसको जो दुआ देते हैं ना आप दिल से दीजिए कि भगवान इसको भी सुखी रखो, इसके भी ये अच्छे कर्मों में ऐड करना, और इसको कोई तकलीफ आए तो मेरी दुआ उस समय इसके जरूर काम आए। तो यही दोस्तों मुझे आपके साथ शेयर करना था, आई होप मैं आप ये क्या बोलूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ मेरे मन की बात थी, और जो मैं हमेशा आपसे कहती थी वो प्रैक्टिकली मैं आपको एक बार दिखाना चाहती थी कि चीजें होती हैं। कोई अगर विश्वास ना करता हो, कोई अगर अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, दान पुण्य नहीं कर रहा है, ये सब जो ओवरऑल में जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो प्लीज आज से ही शुरू कर दीजिए, ये चीजें हमारे दुख के टाइम में जरूर जरूर काम आती हैं, बेकार नहीं जाती हैं। तो ये थी दोस्तों बस आज की एक वीडियो जो मुझे मन की बात आपसे शेयर करनी थी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, अगेन ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लेते रहिए, और सबके लिए अच्छा करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।